इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र को लेकर बड़ा अपडेट। सदन में उठा जल जीवन मिशन टेंडर संशोधन का मसला। भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी ने उठाया मसला। योजना में भ्रष्टाचार का भाजपा विधायकों ने लगाया आरोप। टेंडर प्रक्रिया को शिकायत के आधार पर बताया गलत। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष, सदन से किया वॉकआउट। विपक्ष का आरक्षण विधेयक को लेकर हंगामा। सत्ता पक्ष के हस्ताक्षर नहीं किए जाने के मामले पर हंगामा। क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट रखने की कही बात। इसी के साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रायपुर से हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, छत्तीसगढ़ में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है और काफी हंगामेदार ये सत्र देखा जा रहा है, क्या कुछ अपडेट्स है? देखिए, आपसे छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले तो नव निर्वाचित विधायक है सावित्री मंडावी ने शपथ ली। उसके बाद विधानसभा में प्रश्नकाल में गूंजा जल जीवन मिशन के तहत टेंडर और संशोधन का मसला। भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण मूर्ति बांधी ने उठाया मसला। योजना में भ्रष्टाचार का भाजपा विधायकों ने लगाया आरोप। मंत्री ने दिया जवाब। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायकों ने सदन में किया वॉकआउट। और प्रश्नकाल में भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने जल जीवन मिशन के तहत टेंडर प्रक्रिया का मसला उठाया और टेंडर प्रक्रिया को शिकायत के आधार पर गलत बताया। मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति के जरिए होती है। 95 से ज्यादा टेंडर में जीरो कॉल आया है, 15 टेंडर में संशोधन किया गया है और 80 टेंडर रिटेंडर हुए हैं। और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने कहा कि 6 घंटे के लिए टेंडर को निरस्त कर रिटेंडर किया गया है। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी, इसकी जांच करानी चाहिए, बहुत बड़ा खेला चल रहा है। और बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जल जीवन मिशन में सबसे कम काम छत्तीसगढ़ में हुआ है। कुल 201 टेंडर हुए हैं, 80 निरस्त किए गए हैं, 15 रिटेंडर किए गए हैं। फिर भी सरकार हल्का फुल्का जवाब देकर टालने की कोशिश कर रही है। पूरी योजना में भ्रष्टाचारी है। भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि इस योजना में भ्रष्टाचार दिखाई देता है। एफआरओ रेट में बढ़ोतरी के लिए टेंडर निरस्त किया गया है। मंत्री रुद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश में इतने काम है कि ठेकेदारों की कमी भी पड़ रही है, इसलिए जीरो कॉल आता है। कलेक्टर सचिव और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। कलेक्टर को 5 करोड़ तक का अधिकार है काम सेक्शन कराने का। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि 30% ज्यादा पर कैसे टेंडर स्वीकृत हो गया है, यही गड़बड़ी है। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि टेंडर में गड़बड़ी हुई है, विधानसभा की समिति से इसकी जांच होनी चाहिए। और फिर वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण सिंह चंदेल ने कहा कि 100 करोड़ के घपले का मसला है, 100 करोड़ के घपले का मामला है, लोकधन की लूट है, जल जीवन मिशन में लगातार भ्रष्टाचारी हो रही है, सदन में जांच की कमी की और इसकी जांच कराई जाए। आसानी से मंत्रियों को निर्देश दिए जाए कि मंत्री तैयारी से जवाब देने आए। मंत्री के जवाब से फिलहाल भाजपा नेता सदन से भाजपा विधायकों ने सदन से वर्कआउट किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से आपने बताई, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। काफी ज्यादा हंगामेदार ये शुरुआत हुई है। जल जीवन मिशन और आरक्षण को लेकर ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिन पर विपक्ष ने जो है सवाल खड़े किए हैं। जल जीवन मिशन को लेकर भ्रष्टाचार की बात विपक्ष द्वारा की गई है और विपक्ष के मंत्रियों की वॉकआउट की भी खबरें सामने आई हैं।